हे हेलो गाइस, तो कैसे हो सब लोग। आज के वीडियो में गाइस हम लोग लेके आ चुके हैं बेस्ट M1014 स्किन पार्ट 2। सो गाइस, अगर आप लोग जानना चाहते हो कौन सा M1014 बेस्ट है तो इस वीडियो को गाइस पूरा एंड तक देखना, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल बटन है उसको ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि हर एक टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो आप तक पहुंच सके। गाइस, जितने भी पुराने बंदे हो चैनल को एक बार अनसब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल बटन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। और इस वीडियो का पार्ट 1 जो है हमने पहले ही बना लिया, जिसने भी नहीं देखा गाइस जाके देख लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे देके रखा हूं। और इस चैनल पे गाइस डेली 2 बजे से गिव अवे होता है, तो सब लोग लाइव पे आ जाया करो गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे फायरी M10 का, जिसका एबिलिटी है गाइस डबल डैमेज है, सिंगल मैगजीन है, और इसका जो माइनस है गाइस वो है रेट ऑफ फायर। तो रेट ऑफ फायर माइनस होने के कारण गाइस इस M10 से जो है गाइस बंदे को ज़्यादातर हेड लगने की चांसेस होता है, ठीक है। और इस M10 से गाइस आप स्क्वाड एक पूरा के पूरा स्क्वाड को अकेले ख़त्म कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसके इस पे गाइस डबल डैमेज है। तो भेस्ट पे तो गाइस बहुत ही अच्छा वर्क करेगा ये, भेस्ट पे भी मतलब अच्छा खासा डैमेज देगा। उसी के साथ साथ है यहाँ पे सिंगल मैगजीन, यानी कि 7 MO मारने के बाद जो है गाइस आपका M1014 रिलोड देगा, मतलब बहुत ही बेहतरीन सा M10 है गाइस। और गाइस इस M1014 का यूज़ करने का सबसे आसान तरीका ये है गाइस, आपको करना होगा होल्ड करके फायर, यानी कि पहले एक शॉट मारो, उसके बाद जो है आपको कवर लेना पड़ेगा या फिर मिनी वेपन पे क्लिक करके निकलना पड़ेगा, उसके बाद जो है गाइस एक और शॉट मारो और बंदा के काम तमाम हो जाएगा गाइस, ठीक है। और इस M1014 में जो है गाइस डबल डैमेज है, तो बंदे अगर भेस्ट पहन के भी आएंगे तो भी अच्छा खासा डैमेज पड़ेगा। और 7 MO है तो गाइस स्क्वाड के लिए तो बहुत सही है यार, मतलब इस पूरा के पूरा स्क्वाड को जो है गाइस आप इस M1014 से मार सकते हो अगर आप प्रैक्टिस करोगे बहुत ही ज़्यादा। तो और इसका डिसएडवांटेज सिर्फ इतना है गाइस, ये जो है गाइस ये M1014 पे लाइटिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो बंदों को जो है गाइस दूर से दिख जाता है कि इस बंदे के पास M1014 है। तो गाइस आपको जो है उस बंदे के पास में जाके रश करके उसको मारना होगा गाइस, ठीक। और इस M10 में गाइस जो है 1 टैप किल बहुत ही इजीली होगा, क्योंकि गाइस इस पे मिल जाता है डबल डैमेज और 7 MO, तो बहुत ही ज़्यादा रेयर M10 है और बहुत ही बेहतरीन M10 है गाइस, ठीक है। तो यूज़ करके देख लो गाइस। और अभी बढ़ते हैं गाइस सेकेंड M10 की ओर, जो जिसका है गाइस डबल रीलोड स्पीड, सिंगल डैमेज और रेंज कम है गाइस, ठीक है। और ये M10 गाइस स्टोर पे अवेलेबल भी नहीं है, जिसके पास है गाइस उसके लिए मैं टिप्स दे रहा हूँ इसका। और गाइस इस M1014 का एडवांटेज ये है गाइस, इस पे मिल जाता है आपको सिंगल डैमेज और उसी के साथ साथ जो है गाइस डबल रीलोड स्पीड। तो रीलोड स्पीड बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है M1014 में, और इस M1014 में जो है गाइस रीलोड स्पीड बहुत ही मतलब ज़्यादा होगा गाइस, ठीक है। बट इस पे जो है गाइस रेंज कम है, तो रेंज का थोड़ा प्रॉब्लम होगा आप लोगों को, बट आप लोग अगर घर पे कैंप करते हो गाइस तो इस M1014 को यूज़ कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन आपको मतलब फल मिलेगा, क्योंकि गाइस इस पे जो है गाइस भेस्ट पे भी गाइस डैमेज देगा अच्छा खासा, क्योंकि इस पे जो है गाइस सिंगल डैमेज है। तो बहुत ही बेहतरीन M10 है गाइस, यूज़ कर सकते हो। आपको जो है गाइस शॉर्ट रेंज से यूज़ करना है, एकदम शॉर्ट रेंज से, एकदम मतलब क्लोज से यूज़ करना है, क्योंकि इस पे जो है गाइस रेंज कम है। तो ऑलरेडी M1014 में जो है गाइस रेंज कम होता है, तो 10 मीटर के अंदर अगर किसी भी बंदे को मारते हो गाइस तो अच्छा खासा डैमेज पड़ता है बंदे को। बट इस पे जो है गाइस रेंज कम है, तो आपको और भी आगे जाके मारना है, यानी कि बंदे का एकदम पास में रह के मारना है। तो आप अगर घर पे कैंप करते हो तो इस M1014 को यूज़ कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन M1014 है। सो भी बढ़ते गाइस नेक्स्ट M1014 की ओर। और इस M1014 का जो एबिलिटी है गाइस वो है डबल डैमेज और एक्यूरेसी इसका लॉस्ट है, यानी कि स्काई लाइन जैसा गाइस। तो स्काई लाइन जैसा गाइस इसका एक्यूरेसी लॉस्ट होने के कारण जो है गाइस इस M1014 में भी बहुत ही ज़्यादा हेड शॉट लगता है। तो क्योंकि गाइस इसका जो एमओ है गाइस एक्यूरेसी कम होने के वजह से इसका एमओ गाइस चारों ओर फैल जाता है और बंदों को जो है गाइस हेड पे लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। तो अगर आप किसी घर पे कैंप करते हो और बंदे के पास अगर लेवल 4 का वेस्ट होता है तो भी ये तगड़ा डैमेज देगा और हेड शॉट तो लगेगा ही लगेगा। देख सकते हो यहाँ पे दोनों बंदे को जो है गाइस हेड शॉट लगा, देख सकते हो इसको भी हेड शॉट लगा, क्योंकि इस पे गाइस एक्यूरेसी लॉस्ट है, तो बहुत ही ज़्यादा हेड शॉट लगता है गाइस इस M10 पे। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा M10 है गाइस स्काई लाइन जैसा, सो यूज़ कर सकते हो गाइस। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट M10 की ओर। सो गाइस इस M1014 का एबिलिटी है गाइस, इस पे जो है गाइस डबल एक्यूरेसी मिलता है और उसी के साथ साथ गाइस इसका रीलोड स्पीड कम है। तो विंटरलैंड जैसा ही है गाइस, विंटरलैंड पे भी डबल एक्यूरेसी होता है, बट उस पे जो है गाइस 5 MO मिलता है, इस पे जो है गाइस 6 MO मिलता है। इसका यही एडवांटेज है गाइस कि इस पे 6 MO मिलता है, उसी के साथ साथ जो है गाइस इसका डबल एक्यूरेसी है। और डबल एक्यूरेसी होने के कारण जितना भी गोली इस M10 से निकलता है गाइस, अगर आप बंदे पे एम कर पाओगे तो उतना गोली जो है गाइस
उसके बॉडी पे जाएगा, क्योंकि इस पे डबल एक्यूरेसी है। और इसका जो है डिसएडवांटेज है वो है गाइस, अगर आपके सामने कोई बंदा लेवल 3 या फिर 4 का वेस्ट पहन के आता है गाइस, तो ये M10 जो है गाइस बिल्कुल भी डैमेज नहीं देगा, क्योंकि गाइस इस पे डबल डैमेज नहीं है। और विंटर लैंड पे जो है गाइस सिंगल डैमेज है गाइस, ठीक है, तो इस पे बिल्कुल भी डैमेज नहीं है। इसी के कारण गाइस इसका एक और डिसएडवांटेज ये है गाइस, इस पे जो है गाइस रीलोड करने का थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आपको जो है गाइस जब भी रीलोड करना है आपको कवर बना के रीलोड करना है, ठीक है। तो इसका एक्यूरेसी है गाइस डबल, तो यही इसका एडवांटेज है गाइस कि जितने भी गोली इससे निकलेगा बंदे पे पूरा के पूरा एम हो जाएगा, मतलब लॉक हो जाएगा गोली, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा M10 है गाइस, यूज़ कर सकते हो आप लोग कम डायमंड के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट M10 जो है गाइस रेंज वाला M10, तो इस M1014 का जो एबिलिटी है वो है गाइस डबल रेंज, और इस पे जो है गाइस सिंगल रेट ऑफ फायर माइनस है, ठीक है। तो डबल रेंज मिलने के कारण जो है गाइस नॉर्मल M1014 में 10 मीटर के अंदर जो है गाइस डैमेज देता है, बट इस M1014 में जो है गाइस 15 मीटर के अंदर भी डैमेज देगा या फिर 13 मीटर के अंदर भी डैमेज देगा। और जो है गाइस दूर से जो है ड्रैग हेडशॉट भी इस M10 से इजीली मार पाओगे गाइस, क्योंकि गाइस इस पे जो है डबल रेंज है और रेट ऑफ फायर को गाइस मैनेज किया जा सकता है, बट इस पे जो है गाइस डबल रेंज है। तो देख सकते हो कितनी दूर से जो है गाइस इसको डैमेज पड़ रहा है फिर भी डैमेज दे रहा है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गाइस इतना दूर से मार रहा हूँ फिर भी डैमेज पड़ रहा है गाइस उस पे, ठीक है, मतलब 77 करके हेडशॉट लग रहा है गाइस, समझ ही सकते हो कितना बेहतरीन M10 है। तो M1014 में गाइस रेंज बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, तो रेंज अगर आपके पास होगा तो गाइस आप किसी को भी मार सकते हो ड्रैग हेडशॉट। तो देख सकते हो इसको भी हेडशॉट लगा गाइस, ठीक है। तो ये M10 भी गाइस बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इस पे ड्रैग हेडशॉट इजीली लग जाता है और इसका कोई डिसएडवांटेज भी नहीं है गाइस, तो बहुत ही बेहतरीन M10 है। तो अभी नेक्स्ट M10 की बात कर लेते हैं गाइस, जिसका रेट ऑफ फायर सिंगल है, मैगजीन सिंगल है और इसका जो है गाइस रेंज कम है, ठीक है गाइस। तो ये M10 भी गाइस बहुत ही सही M10 है शॉर्ट रेंज के लिए गाइस, ठीक है, क्योंकि इसका रेंज कम है। तो आपको जो है गाइस 5 या फिर 6-7 मीटर के अंदर जो है गाइस बंदे को मारना है, और रेट ऑफ फायर सिंगल है और सिंगल मैगजीन मिलता है, तो गाइस बहुत ही बेहतरीन M10 है गाइस, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो गाइस लाइक जरूर से कर देना, अगर आप चैनल पे न्यू आए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे प्रेस कर देना, और लाइव पे जरूर आना गाइस 2 बजे, क्योंकि हम लोग 2 बजे डेली गिव अवे करते हैं गाइस, ठीक है। मिलते हैं अगले।